डोमेन रेसर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्डप्रेस को यूज़ करके एक स्पा या सैलॉ की वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वर्डप्रेस को यूज़ करके इस वेबसाइट को क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो अगर आपने पहले कोडिंग नहीं की है, कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं की है, तो भी आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही ईजिली इस वेबसाइट को क्रिएट कर लोगे। सबसे पहले इस वेबसाइट के डेमो को चेक करते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग में ही एक आइडिया हो जाए कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप यहां पे क्या बना करके रेडी करने वाले हो। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आपका लोगो रहेगा। इस जगह पे आपके पास एक नेविगेशन बार है, यानी कि नेव बार है, जिसके अंदर होम पेज, अबाउट पेज, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस एंड कॉल टू एक्शन का एक बटन है। इस जगह पे आप अपने कोट्स या टैगलाइन दिखा सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, आप यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिखा सकते हो। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो अपने सर्विसेज को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। आप अपने बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ बता सकते हो, आपने ऑलरेडी कौन कौन से काम किए हैं, आपका पोर्टफोलियो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करने पे ये आपको जूम होकर के दिखाई देगा और इसको बहुत ही इजीली यूजर चेंज करके भी देख सकता है। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपके क्लाइंट्स के फीडबैक हैं, एंड इसके नीचे आपके पास एक अपॉइंटमेंट बुकिंग का पेज है, इसके नीचे आपका एड्रेस, एंड इसके नीचे आपके पास एक कॉमन सा फुटर है। सिमिलरली एक अबाउट अस का पेज है, जिसके ऊपर आप अपने बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो, आपने कहाँ से ट्रेनिंग की, मिशन क्या है, विजन क्या है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। सिमिलरली एक सर्विसेज का पेज भी हमारे पास यहाँ पे है, और इसी के साथ साथ एक कॉन्टेक्टस का पेज भी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। इसके अलावा भी इस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो कि जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा। वैसे तो मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में कवर अप करने वाला हूँ, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। बट स्टिल आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे सर्च इंजन वेबसाइट पर जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, search.domainracer.com। एंड जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो आपको यहाँ पे सर्च करना है, सिंपली आपको उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने सर्च किया हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, आप इस वीडियो को देख करके अपने डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इस वेबसाइट को हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू बनाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को चेक करें एंड वर्डप्रेस को पहले इंस्टॉल करें। अब क्योंकि ये एक स्पा एंड सैलॉ की वेबसाइट है, तो इसका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसके थ्रू क्लाइंट्स की बुकिंग्स लोगे और अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। तो इस चीज़ के लिए आपके पास डोमेन नेम एंड होस्टिंग होना चाहिए। अगर आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के domainracer.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आपको जाना है वेब होस्टिंग के पेज के ऊपर, और इस जगह से आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद आपको अपने डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस को अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करने के बाद और उसका डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने एक मैसेज होगा, या तो यहाँ पे आपको माय ब्लॉग देखने को मिलेगा या फिर ब्लॉग देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाकर के आपको विजिट साइट को न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है। तो ये आपका वेबसाइट है। बेसिकली आप इस इंटरफेस को डायरेक्टली अपना डोमेन नेम लिख करके भी एक्सेस कर सकते हो, और इस लुक को इग्नोर करें, ये हर साल यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत है। अब प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली ऐसे टूल्स हैं, ऐसे फीचर्स हैं, बने बनाए मॉड्यूल्स हैं, जो आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं, और जो काम आप करना चाहते हो वो काफ़ी ईजिली आप विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स कर सकते हो। तो प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है? प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए आप जाओगे डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपको जाना है प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर आपको जाना है ऐड न्यू प्लगइन के सेक्शन में, यहाँ से आपको सर्च करना है एस्ट्रा। आप चाहें तो स्टार्टर टेम्पलेट ये पूरा का पूरा लिख करके भी आप सर्च कर सकते हो। सिंपली इसको इंस्टॉल करें। इसके बाद आपको सर्च करना है एस्ट्रा विजिट, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको ये मिल जाएगा, इसको भी इंस्टॉल करें। इसके बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है डब्ल्यू पी फॉर्म्स लाइट, सिंपली इसको भी इंस्टॉल करें। इसके बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है एलिमेंटर, और एलिमेंटर को भी हमें यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। प्लगइन्स इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इंस्टॉल्ड प्लगइन के सेक्शन में, यहाँ से ऑल पे टिक लगाना है, बल्क एक्शन में जाकर के सिंपली हमें इनको एक्टिवेट कर देना है। तो सारे के सारे प्लगइन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। अब हम ये देखते हैं कि इस वेबसाइट के लुक को आप कैसे चेंज करोगे। वर्डप्रेस के अंदर इसे हम थीम कहते हैं, यानी कि हमें थीम चेंज करना है। थीम को चेंज करने के लिए आपको जाना है डैशबोर्ड पे, यहाँ से आपको जाना है अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर आपको थीम्स के ऊपर जाना है, ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ से आपको सर्च करना है एस्ट्रा। इस लुक को इग्नोर करें, ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, आपको स्पेलिंग के ऊपर ध्यान देना है, और सिंपली इसको इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें।
अब अगर आप अपने डोमेन नेम को यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप नोटिस करोगे ये डिज़ाइन यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो करंटली ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमें करंटली एस्ट्रा के ऊपर काम करना है। एस्ट्रा के अलावा जो भी थीम आपको यहाँ पे विजिबल है सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें एंड उसे डिलीट करें, क्योंकि हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ से तीनों एक्स्ट्रा थीम को डिलीट कर दिया है। मेक श्योर एक ही थीम आपके पास यहाँ पे एक्टिव हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टर टेम्पलेट। ये सेम ऑप्शन आपको अपीयरेंस यहाँ जा करके भी मिलता है। आप दोनों में से किसी के भी ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, बिल्ड योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें। अब ये आपको एक पेज बिल्डर सेलेक्ट करने को बोलेगा। पेज बिल्डर जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, जो पेजेस को बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा, यानी कि पेजेस को बनाने में हेल्प करेगा, डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा। हमने प्लगइन्स को इंस्टॉल करते टाइम एलिमेंटर पेज बिल्डर को इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे हम सिंपली एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके आपको सर्च करना है सेलो एंड स्पा। आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, बाकी जो है वो पेड थीम है। हमें फ्री वाले पे काम करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करके स्किप एंड कंटिन्यू करें, अगेन स्क्रॉल करें, कंटिन्यू करें। डेटा शेयर नहीं करना है हमें। सबमिट एंड बिल्ड योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें और इस प्रोसेस के पूरा होने का वेट करें। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टेम्पलेट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमें अपने डैशबोर्ड के ऊपर वापस जाना है। सिंपली आपका डोमेन नेम /wp-admin। इसके बाद अगर आप अपने डोमेन नेम पे आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे तो आप चेक करोगे इसका कंप्लीट लुक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एंड जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग के डेमो में चेक कराया था वो एज इट इज इंटरफेस यहाँ बन करके तैयार हो चुका है। हमें इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, कस्टमाइज करने हैं, इमेजेस को चेंज करना है एंड जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम इस वेबसाइट को उस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो ऊपर लिखा है माई ब्लॉग जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, इसे कैसे हम यहाँ पे एडिट करेंगे। इसे एडिट करने के लिए आप आ जाओ अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ से आपको जाना है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हो माय ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे टाइप किया डोमेन रिसर्च सेलो। टैगलाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। नीचे स्क्रॉल करके सिंपली आपको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे टाइटल हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक बेसिक सेटिंग को करना है। इस चीज़ के लिए आप जाओगे सेटिंग्स और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन है परमालिंक, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। मेक श्योर यहाँ से आप पोस्ट नेम पे टिक लगाएं एंड नीचे आके आपको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसी के साथ बेसिक सेटिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आपको यहाँ पे इस लोगो को चेंज करना हो, आपको अपने अकॉर्डिंग रखना हो तो ये आप कैसे करोगे। इस चीज़ के लिए आप आ जाओगे अपने डैशबोर्ड में। यहाँ से आपको जाना है अपीयरेंस और यहाँ से आपको जाना है कस्टमाइज। कस्टमाइजर ओपन होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सामने एक ऑप्शन है हेडर बिल्डर, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है साइट टाइटल एंड लोगो, इसके ऊपर क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये लोगो लगा हुआ है, आप इसको रिमूव कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एक बात का ध्यान दें कि ये जो लोगो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, उसका एक डिज़ाइन है। हो सके तो आप भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर लोगो को अपलोड करें, डिज़ाइन आपका मेंटेन रहेगा, वरना आप जैसा भी लोगो है अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने चेंज लोगो के ऊपर क्लिक किया। अपलोड फाइल पर जाएंगे, आप सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके भी अपने लोगो को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप उसे अपलोड कर सकते हो। एक बार इसका प्रीव्यू आपको मिल जाता है, आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, अगेन सेलेक्ट करें तो आप देखोगे आपका लोगो यहाँ पे विजिबल हो चुका है। आप इसको पब्लिश करोगे, अगर इस जगह पे आपको रिफ्लेक्शन देखने को ना मिले तो आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोगो हमारा अप्लाई हो चुका है। इस साइज़ को टोटली इग्नोर करें, ये डिपेंड करता है आपने लोगो कितने रिजोल्यूशन में अपलोड किया है। आप वापस आ जाओ हेडर बिल्डर पे, यहाँ आ जाओ, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है लोगो विड्थ, हाइट का भी ऑप्शन मिल सकता है। आप इसको कम ज़्यादा करके इतना एडजस्ट करें कि ये आपको देखने में अच्छा लगे। मैं आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि करंट कंडीशन इसकी ये है, और अगर मैं इसको यहाँ से पब्लिश करके सेव करता हूँ एंड इसके बाद अगर यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे प्रॉपरली ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हो। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे आप वर्डप्रेस के लोगो को हटा करके अपना लोगो कैसे लगाओगे। बेसिकली इसको फेवाइकन कहते हैं वेबसाइट के टेक्नोलॉजीज़ में, वर्डप्रेस के अंदर इसको साइट टाइटल कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, साइट आइकन का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ से आपको सेलेक्ट साइट आइकन पर क्लिक करना है। आप अगेन अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जनरली स्क्वायर इमेज जो है वो प्रॉपर विजिबल होती है, तो कोशिश करें आपकी लोगो को स्क्वायर फॉर्मेट में आप क्रिएट करके रखें ताकि दिखने में वो यहाँ पे प्रॉपर लगे। आप देख सकते हो यहाँ पे वो अप्लाई हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ और अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो लोगो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आपको फुटर में कुछ चेंजेस करने हो तो वो कैसे होगा। सिंपली आपको फुटर में जाना है, जहाँ भी आपको चेंजेस करने हैं उसके ऊपर क्लिक करें एंड बारी बारी आप हर एक चीज़ को यहाँ से चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको सर्विसेज चेंज करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, सर्विसेज की जगह पे आपको कुछ भी यहाँ पे लिखना है आप वो टाइप कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है वो एज इट इज़ यहाँ पे है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे कर दिया डोमेन रेसर, तो आप देखोगे ये सेम रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज करोगे, एड्रेस चेंज करोगे, टाइमिंग चेंज करोगे एंड सारे डेटा के ऊपर आप इस एडिट के आइकन पर क्लिक करके बहुत ही ईजिली इसको चेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ कस्टमाइजर का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से कट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर आपको इस वेबसाइट के पेजेस के ऊपर चेंजेस करने हैं तो वो कैसे होगा। एग्जांपल के लिए आपको ये टेक्स्ट चेंज करना है, बटन के ऊपर क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए वो परफॉर्म करना है, इमेजेस चेंज करने हैं तो ये आप कैसे करोगे। इस चीज़ के लिए आपको जिस पेज के ऊपर एडिटिंग करना है पहले उसको ओपन करके रखें। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट विद एलिमेंटर, एक टैब के अंदर आपको इसको ओपन कर लेना है। एलिमेंटर ओपन होने के बाद लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको ये कंटेंट चेंज करना है। न्यूयॉर्क की जगह पे आपको इंडिया करना है तो आप यहीं से इरेज कर सकते हो। इन अ केस ये काम ना करे तो आप इस जगह से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंडिया कर दिया। मैं आपको यहाँ पे अपडेट करके दिखाता हूँ कि चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो इंडिया यहाँ पे विजिबल है। इसी तरीके से अगर आपको ये भी चेंज करना हो आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डोमेन रेसर हिंदी। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। बुक अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें यहाँ लेकर के जाता है, जो कि ठीक है, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत हमें नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको ये फोटोग्राफ यहाँ पे चेंज करना है तो ये कैसे होगा। सिंपली फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करें, चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अपने इमेज का रिजोल्यूशन चेक करें। इससे मिलते जुलते रिजोल्यूशन की इमेज लगाओगे तो डिज़ाइन आपका मेंटेन रहेगा। मीडिया लाइब्रेरी के अंदर इस थीम से रिलेटेड जो ऑलरेडी इमेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ से कोई इमेज पसंद आता है तो आप क्लिक करके लगा सकते हो, या फिर आप अपलोड फाइल में जा करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फाइल्स को सेलेक्ट करके भी इस जगह पे फोटोज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटोग्राफ को ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ ला करके ड्रॉप करें। इसकी विजिबिलिटी आने के बाद इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करें एंड इसको अपडेट करें। अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इमेज हमारा चेंज हो चुका है। इसी स्टेप को फॉलो करके आपको हर एक कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है एंड जो भी आपको टाइप करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही ईजिली आप इसको चेंज कर सकते हो। जिस भी फोटो को आपको चेंज करना हो उसके ऊपर क्लिक करें एंड बारी बारी यहाँ से चूज इमेज पे क्लिक करें एंड उन फोटोज़ को भी आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक और फोटोग्राफ यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो प्रॉपरली यहाँ पे ये विजिबल है। यहाँ पे आकर के मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ तो आप देखोगे ये वाला फ़ोटो भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर आपको ये कंटेंट चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जो मर्ज़ी अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है इसको भी चेंज करना। इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे वेब पेज पर जहाँ भी चेंजेस करना है आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक डमी फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसे भी करना बहुत ज़्यादा इजी है। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको हर एक चीज़ को यहाँ पे एडिट कर लेना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपको यहाँ किसी और पेज के ऊपर एडिटिंग करना है, जैसे कि आपको कॉन्टेक्टर्स का पेज एडिट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे भी हम लोग यहाँ पे एलिमेंटर पेज बिल्डर के अंदर लोड कर लेंगे। एलिमेंटर ओपन होने के बाद यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आता हूँ और इस जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पे लेट्स टेक एन एग्जांपल मुझे इंडिया करना था तो मैं यहाँ पे आके इसको इरेज कर रहा हूँ एंड सिंपली मैंने इसको इंडिया कर दिया। फ़ोन नंबर भी आप चेंज कर सकते हो, ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल टाइप कर रहा हूँ और इसके बाद अपडेट करें। अपने वेबसाइट के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश करें तो आप देखोगे इस जगह पे इंडिया हो गया, इस जगह पे एग्जांपल हो गया। सिमिलरली आपको सारे के सारे कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर लेना है। बहुत ही ईजी है इसको कस्टमाइज करना। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इस वेब पेज के ऊपर आप एनिमेशन कैसे अप्लाई करोगे। एनिमेशन लगाने के लिए आपको उस पेज को एलिमेंटर में लोड कर लेना है एंड इसके बाद आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, एडवांस मोशन इफेक्ट
डिफॉल्ट एंट्रेंस एनिमेशन के अंदर डिफॉल्ट का मतलब है कोई भी एनिमेशन नहीं है, ये सारे एनिमेशन के अलग अलग टाइप हैं, किसी एक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। आप इनमें से किसी भी अलग अलग एनिमेशन को अलग अलग चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको इनमें से पसंद आता है। ये टोटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल रोल इन एनिमेशन लगा दिया एंड इस फोटोग्राफ के ऊपर भी यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपको बारी बारी हर एक पेज के ऊपर हर एक एलिमेंट के ऊपर इसी तरीके से एनिमेशन परफॉर्म करना है। सेव करके यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे ये एरिया हमारा एनिमेट होकर के आया है। इसी तरीके से आपको बाकी चीज़ों के ऊपर भी एनिमेशन परफॉर्म कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको हर एक पेज के ऊपर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट करें, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पे क्रिएट करने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।